सर्दियों का मौसम है और शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो हम सभी के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाती है। शकरकंद बहुत हेल्दी होती है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी, स्किन, हेयर और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे हों या बूढ़े हों, शकरकंद हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है और साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप सबका स्वागत है डीपी की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद की हेल्दी चाट। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे इसको हम। इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। शकरकंद की चाट बनाने के लिए हमने यहाँ ली है 1/2 kg के अराउंड शकरकंद। इनको मैंने अच्छे से पानी में धो लिया है। शकरकंद को सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। तो उससे पहले हम शकरकंद पर इस तरह से थोड़ा घी लगा लेंगे। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से घी लगाने से क्या होगा, जो शकरकंद की नेचुरल स्वीटनेस है, जो मिठास है शकरकंद में, वो बनी रहेगी और हमें गुड़ या चीनी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम सभी शकरकंद पे घी लगा लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमें शकरकंद को कुकर में बॉईल होने के लिए रखना है। तो उसके लिए हम कुकर में पानी ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 100 ml के अराउंड पानी लिया है। और अब हम इस तरह से एक स्टीमर स्टैंड ले लेंगे और इसको हम कुकर के अंदर रख देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी या कोई छोटी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड हमने इसलिए रखा है क्योंकि शकरकंद को हमें पानी में डिप करके बॉईल नहीं करना है, हमें केवल पानी की स्टीम से ही शकरकंद को बॉईल करना है। यदि हम शकरकंद को पानी में डिप करके बॉईल करते हैं तो शकरकंद की मिठास कम हो जाती है, इसलिए मैंने ये स्टैंड लगाया कुकर में। और बस इस तरह से हमने सभी शकरकंद को एक एक करके कुकर के अंदर रख दिया है। और अब ढक्कन लगाकर कुकर को गैस पर रख देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और कुकर में 3 सीटी आने तक का हम वेट करेंगे। शकरकंद को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये मैसी हो जाएंगी और इनकी स्वीटनेस भी कम हो जाएगी। ये देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और कुकर में 3 सीटियाँ भी आ गई हैं। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में तो लग रहा है कि बॉयल हो गई हैं, बट एक बार नाइफ़ की हेल्प से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नाइफ इजली जा रहा है शकरकंद के अंदर, इट मींस शकरकंद बॉईल हो गई है। अब हम शकरकंद को कुकर से बाहर निकाल लेंगे और उसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। शकरकंद के ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से हम चाकू से उसका छिलका हटा देंगे और एक एक करके सारी शकरकंद को छील लेंगे। अब हम शकरकंद को कट कर लेंगे। शकरकंद को मैंने इस तरह से गोल पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं या शकरकंद को बीच से काट कर फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। जो तरीका आपको कन्वीनियंट हो, आप उस तरह से शकरकंद को कट कर सकते हैं।
ये देखिए सारी शकरकंद को हमने इस तरह से राउंड पीसेस में कट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं शकरकंद की चाट बनाने की तैयारी। शकरकंद की चाट मैं आपको दो तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए शकरकंद को मैंने इस तरह से दो अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम लेंगे एक नींबू और नींबू के रस को हम दोनों बाउल में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और साथ में ही चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून में बड़े बाउल में चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और 1/4 टी स्पून में छोटे बाउल में ऐड कर रही हूँ। और अब लास्ट में दोनों ही बाउल में फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। छोटे बाउल में मैं 1 टेबल स्पून हरे धनिये की चटनी ऐड कर दूँगी। ये हरे धनिये की नॉर्मल चटनी है जो घर में हम हमेशा बनाकर रखते हैं, उसी तरह की चटनी है। और बस अब चटनी को कर देंगे अच्छे से मिक्स और ये हमारी एक तरह की शकरकंद की चाट रेडी है। और अब इस दूसरे बाउल में हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे, बस इसको इस तरह से ढक्कन लगाकर अच्छे से हिलाकर मिक्स कर देंगे, जिससे चाट मसाला और नींबू के रस की कोटिंग अच्छे से शकरकंद पर हो जाएगी। ये देखिए हमारी दूसरी तरह की चाट बनकर भी रेडी है। आप किसी भी तरह से बनाइए, दोनों ही तरह से ये चाट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। आप चाहें तो इसमें हरे धनिये की चटनी के साथ इमली की मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस आता है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर एकदम हेल्दी तरीके से बनाया है, कुछ भी मीठा ऐड नहीं किया है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को ये चाट बहुत पसंद आएगी। आज की इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।